In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. हम बनाने जा रहे हैं तरबूज का शरबत. चलते हैं रेसिपी की तरफ. सबसे पहले हमने ब्लेंडर जग ले लिया है और तरबूज कट कर लिए हैं इस तरह मैंने क्यूब्स में. अब इन्हें हम ब्लेंडर जग में शामिल करेंगे और इन्हें ब्लेंड करेंगे. ये बहुत ही इजी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला शरबत है और बहुत ही यमी बन के रेडी होता है. आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा. अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब काला नमक और इसमें मैं लेमन जूस ऐड करी हूँ. जी हाँ, ये मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में लेमन जूस निकाल के सेव कर लेती हूँ. अब मैं ये एक क्यूब शामिल कर दूँगी इसमें और इसे कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. ये देखिए हमारा ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है. अब इसे मैं ग्लासों में निकालती हूँ स्ट्रेन करके. ये देखिए हमारा तरबूज का शरबत रेडी है. इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं. ये बहुत ही डिलीशियस बनता है. आप भी इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कैसा बना. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह.